राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवाल ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज दिन सोमवार है और छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन है और बच्चे बिल्कुल नहा धोवा करके तैयार हो गए हैं। कैची कैची ले लो, तो नया जूता, नया मोजा, वही पुराना स्कूल, पुराना सूप, अभी फेसियल करने लगोगे। कंघी तो हीरोगिरी बन के जाएगा। सुबह जाने का मन है कि नहीं? पूड़ी और वो कचौड़ी और चटनी ले जा रहा है, खट्टी मीठी, तो क्या करूं? आएंगे ना, बता तो दिया है, अभी टाइम है। शाम का समय हो रहा है और मेरा पार्सल आया है मीशो से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी कंगन आ जाएगी। मैं देखी थी तो मैं बस ऐसे ही ऑर्डर कर दी थी। ग्रीन कलर का था तो मैं सोची सावन आ रहा है तो सावन में पहनने का काम करेगा, लेकिन बहुत अच्छा आया है कंगन। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। आज दिन बुधवार है और टाइम अभी 2:30 बज रहा है और मैं आज से अपना डेली ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम बस शादी का और कहीं घर उधर आने जाने के चक्कर में अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं रख पाई थी। आज से मैं अपना डेली ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी, बस उन्हीं का दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। तो तैयार हो चुके हैं, ये तो जा चुके हैं। मैं बताई थी इनसे कि जब जाना होगा तो फ़ोन करके बता दीजिएगा, तो अभी फ़ोन किया कि आ जाओ तुम लोग, तो मैं और सुबह पैदल पैदल जाएंगे, ये पास ही में। बस मैं तैयार हो गई हूँ और सुबह तैयार हो रहा है, फिर जाएंगे हम लोग। खाता तो बता कहाँ चले, गर्मी है, बिल्कुल पसीना चल रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल में, स्कूल में ही आए हैं, सरस्वती स्कूल में आए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। और बस लेकिन थोड़ी सी लेट हो गए थे हम लोग, मतलब वहाँ जहाँ भी बैठे हुए थे वहाँ से उठ गए थे, उठ ही रहे थे तो हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन फिर बाद में दर्शन हो गया है उनका। वह तो मुंह बना रहा है, क्या है हुआ। यहाँ आने के बाद जेंट्सों को गुरुजी से मिलने के लिए ऊपर का कमर के ऊपर के वस्त्र उतार देने थे, टी शर्ट और बनियान सूप भी उतार दिया था और सूप से गुरुजी मिल भी नहीं पाए, इसलिए और ज़्यादा मुंह बनाया है। तो हम लोग भी दर्शन कर ले ऐसे किए हैं, तो थोड़ी सी बस वहाँ से उठ रहे थे, सब आ गए आए थे। हम लोग प्रसाद भी खा लिए, खाने में था सांभर चावल, सब्जी और मेदू बड़ा। अभी हम लोग खीर खा कर आ रहे हैं। सुख का स्लीपर घूम गया था लेकिन फिर से मिल गया, सुख के पापा का नहीं मिल रहा, शायद मिल जाए, जाते जाते नहीं तो नहीं भी मिल सकते। गुरु जी अंदर आ गए हैं सभी भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए, तो हम लोग बस इंतजार में बैठे हुए हैं। सभी भक्तजनों का स्वामी जी के माला की उपस्थिति में बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी के श्री चरणों में इतना बारिश हो रहा है आज। महाराज जी चले गए, गोत्र पूछ के बताए नहीं, वो कुछ गोत्र पूछ के बताए, बच्चे को तुम्हारे पूछ लिए, मुझे नहीं बताए गोत्र। जय जय माता जी, बोले जय जय माता जी।
कहाँ चले गए? अंकल नहीं, आजा आजा बिट्टू आ जाओ। बढ़िया पानी बरस रहा थे इससे। आते जाते शुभ को दर्शन मिल गया गुरु जी का। गुरु जी अलग से शुभ से पूछे कि नाम बताओ क्या है तुम्हारा, तो बस हो गया 2 मिनट का दर्शन शुभ को अलग से और अच्छे से मिल गया। मैं घर आ चुकी हूँ, कपड़ा चेंज कर ली, थोड़ी बहुत गीला होने जाना नहीं, अब छत पे जा रही हूँ, भाभी दाल कर रही है। पूरा छत भर चुका है, पूरा छत भर चुका है और यहाँ एक दो पत्तियाँ फंसी हुई हैं, इस वजह से पानी भी नहीं निकल पा रहा है, तो बस इसी को मैं निकाल दे रही हूँ पैर से पत्तियों को, ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। लबालब बिल्कुल छत भर चुका है दोनों तरफ। आज खूब अच्छी बारिश हुई है। वहाँ पत्ती फंसा था लाइट। अभी हम लोग गोभी के बर्थडे में जाना है, गोभी का बर्थडे है, तो जल्दी जल्दी इसीलिए बना ले रही हूँ खाना, ऐसे जल्दी अभी नहीं है, 9:30 बज चुका है। वहाँ से आने के बाद फिर मैं दाल उल चालने के बाद बहुत देर तक बैठी हुई रोटी बना दूँ, सब लोग खाना खा लें, फिर उसके बाद लेके जाना। मैं और प्रथम तीन लोग जाएंगे घर के पीछे, इसका घर है भी हुई है, तो बार बार लाइट भी आ रही है जा रही है, तो बस मैं जल्दी से रोटी सेक ले रही हूँ और सबको खाना दे दूँ, खाना खा लें सब। मैं किचन भी साफ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। बोली है कि अभी हो गया कुछ सजा उजा रहे हैं, तो फिर मैं फ़ोन करूँगी, तो मैं बोली ठीक है हो गया चली जाऊँगी। पहले तो मैं सोची कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर मैं इनसे पूछी तो ये बोले कि नहीं नहीं जाना चाहिए, चली जाओ बच्चों को लेकर के। तो मैं प्रथम और सुख तीनों लोग जाएंगे। पूरा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद उसका फ़ोन आया, तो जैसे ही हम लोग गेट से निकले हैं तो लाइट फिर से चली गई है। और यहाँ रूबी आज मुंह बना करके बिल्कुल बैठी है, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, बिल्कुल ना हंस रही है ना मुस्कुरा रही है। मैं भी रूबी को केक खिला दे रही हूँ और मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, और आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू, बाय। आज का पुआ